महाराष्ट्र में गठबंधन की गांठें अब ढीली पड़ने लगी हैं, इसलिए अब कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी से किनारा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में अपने दम पर उतरने की तैयारी कर रही है, मतलब कि राज्य की सरकार के तीनों भागीदार निकाय चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के कांग्रेसी मंत्री अमित देशमुख ने साफ कहा, कांग्रेस औरंगाबाद नगर निगम के अगले चुनाव में स्वतंत्र रूप से हिस्सा लेगी और पार्टी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अमित देशमुख ने कहा कि हम औरंगाबाद चुनाव के बारे में अपने नेताओं से बात करेंगे, लेकिन पार्टी स्वतंत्र रूप से औरंगाबाद में चुनाव लड़ेगी और उस दिशा में तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमने इसके अनुसार योजना बनानी शुरू कर दी है। वर्ष 28 अप्रैल को औरंगाबाद नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से चुनाव होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया और महाराष्ट्र सरकार ने निकाय प्रमुख आस्तिक कुमार पांडे को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया। औरंगाबाद के पिछले महापौर शिवसेना से थे। चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपने सहयोगी शिवसेना की आलोचना करने की संभावनाओं के सवाल पर देशमुख ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं इस पर विचार किया जाएगा, हम लोगों तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि वे क्या कहते हैं, ऐसी बातों पर फैसला अभी नहीं लिया जा सकता। औरंगाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM की मजबूत उपस्थिति के बारे में सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, समय अब बदल रहा है, AIMIM के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए गए काम लोगों के सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।